Hey everyone, welcome back to another video. This is Shreeshtha Singh and you are currently watching me on my YouTube channel Artistic Zone. So guys, in this video I'm going to tell you everything about situation test. So please make sure you watch this video till the end agar aap is your situation test dene wale ho, kyunki is video mein main aapko exactly bataungi ki situation test kyun hota hai, kyun NIFT situation test conduct karti hai, kaun kaun se points ke basis par aapko judge kiya jata hai, marking criteria kya hoti hai, kis tarike se aapko time manage karna hota hai, everything. So make sure you stick with me till the last. So let's start from the weightage guys. Situation test holds 20% of the total weightage guys. You all know ki CAT hold karta hai 50%, GAT hold karta hai 30% and situation test aapka hold karta hai 20%. Ye aapka second round hai NIFT entrance examination ka. Now I'm going to tell you what exactly situation test is all about. Kaise hota hai situation test. So guys, situation test is basically a hands-on examination where you'll be getting a set of materials and by using those materials you are supposed to create a three-dimensional creative paper model. मतलब NIFT में आपको एक set of material provide करी जाती है, उसमें काफी सारे crafting materials होते हैं जैसे कि colorful thermocol balls, cotton balls, ivory sheets, colorful pastel sheets, beads, newspaper, fabric और आपको इन सारे के सारे material को use करके creative model बनाना होता है. For reference you can observe this model जो मैंने live class में students को बताया था. So इस मॉडल में यू गाइस कैन सी कि यहाँ पर ये जो रिबन है, रिबन का मैंने बो बनाया. दिस इज एन अवार्ड फॉर अ स्टूडेंट. यहाँ पर आप देख सकते हो ये लैडर मैंने बैम्बू स्टिक से बनाया. इसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज करके सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड किए गए. बिल्कुल उसी तरीके से सिचुएशन टेस्ट में आपको एक थ्री डायमेंशनल मॉडल बनानी होती है विथ द गिवन मटीरियल्स. दैट्स द ओनली रीजन वी कॉल इट सिचुएशन टेस्ट. सो गाइस नाउ लेट्स डिस्कस टाइम ड्यूरेशन. NIFT सिचुएशन टेस्ट में यू विल बी गेटिंग ओनली 2 आवर्स टू मेक अ मॉडल विथ अ कॉन्सेप्ट राइटर. सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू डेडिकेट 1 hour and 45 minutes इन क्रिएटिव मॉडल मेकिंग और रेस्ट जो 15 मिनट्स है उसमें आपको अपना राइटअप लिखना चाहिए. राइटअप में आपको अपनी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करनी होती है. सो राइटअप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें 10 to 15 marks राइटअप के ही मिलते हैं. सो राइटअप पर भी आपको उतना ही फोकस करना चाहिए जितना आप मॉडल मेकिंग पर फोकस करोगे. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अरे 2 ही घंटे मिलते हैं तो 2 घंटे में हम कैसे मॉडल और राइटअप लिख पाएंगे, ये पॉसिबल है भी या नहीं. डेफिनेटली ये पॉसिबल है, इट्स अ स्किल सेट. और जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा आप पेपर कटिंग, मॉडल मेकिंग की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी एंड यू विल बी एबल टू फिनिश योर मॉडल विद इन टाइम गाइस. सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पेपर कटिंग एंड क्रिएटिव मॉडल मेकिंग. सो नाउ आई एम गोना बी टेलिंग यू अबाउट द जजमेंट क्राइटेरिया. मतलब किन पॉइंट्स के बेसिस पर आपको सिचुएशन टेस्ट में जज किया जाता है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मटेरियल मैनिपुलेशन विद इन टाइम फ्रेम. मतलब 2 घंटे का जो आपको टाइम मिला है उसी 2 घंटे में आपको मटेरियल को देखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है, एक्सप्लोर करना है और मैनिपुलेट करके मॉडल में यूज करना है. सो कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से आप मटेरियल्स को मैनिपुलेट करते हो अपने मॉडल में, ऑन दैट बेसिस दे विल बी जजिंग यू गाइज. सेकेंड पॉइंट यू ऑल नीड टू कीप इन योर माइंड इज पावरफुल राइटअप. आपकी राइटअप भी बिल्कुल पावरफुल होनी चाहिए. उसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए, कौन कौन से टेक्निक्स आपने यूज करे हैं, इन सारी चीजों को आपको उसमें एक्सप्लेन करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स. आपको अपने मॉडल की कॉन्सेप्ट भी बेसिक नहीं रखनी है. मतलब जो भी आपके सिचुएशन टेस्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसको एज इट इज बिल्कुल लिटरल फॉर्म में भी आपको अटेम्प्ट नहीं करना. आप उसको क्रिएटिव तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होनी चाहिए. फोर्थ वन इज क्रिएटिव टेक्निक्स. क्रिएटिव टेक्निक्स में जैसे यू गाइस कैन एक्सप्लोर ओरिगामी टेक्निक्स, किरीगामी टेक्निक्स, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं. उन सबको अभी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए. जितनी ज्यादा ऐसे टेक्निक्स आप एक्सप्लोर करोगे और मॉडल में यूज करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने सिचुएशन टेस्ट में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटीरियल यूजेज. अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ 60% 70% मटीरियल यूज करके छोड़ देंगे, उन स्टूडेंट्स को बहुत कम मार्क्स मिलेगी. मटेरियल आपको 90 to 95% यूज करनी चाहिए जब भी आप मॉडल बनाओगे सिचुएशन टेस्ट में. अब सारे मटेरियल्स यूज करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप उसको कट करके पेस्ट कर दो. नो, इसका मतलब ये नहीं. आपको क्रिएटिवली मटेरियल्स को यूज करनी है. 90 to 95% आपको मटेरियल्स यूज कर लेने होते हैं सिचुएशन टेस्ट में. कम यूज करोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो. तो भाई ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सबको अपने माइंड में रखने चाहिए. इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे. नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू, इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर कैट एंड गैट, यू स्टिल हैव चांस टू स्कोर वेल इन योर NIFT एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइज. क्योंकि NIFT एंट्रेंस एग्जाम में सिचुएशन टेस्ट भी है एंड सिचुएशन टेस्ट होल्स 20% ऑफ द टोटल वेटेज. इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे पेपर कटिंग की, मटेरियल मैनिपुलेशन की, अलग अलग मटेरियल्स भी आप एक्सप्लोर कर पाओगे
और आपकी स्पीड इंक्रीज होगी. आपकी स्पीड इंक्रीज होगी तभी यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन योर सिचुएशन टेस्ट. आपको मैं ये बात भी बता देती हूँ, सिचुएशन टेस्ट जो होता है ये बहुत स्कोरिंग टेस्ट होता है. आई इवन गॉट 20 आउट ऑफ 20 इन माई सिचुएशन टेस्ट. यू विल नॉट बिलीव सिचुएशन टेस्ट में आपके एक मार्क्स भी नहीं कटेंगे अगर आप अच्छे से मॉडल बनाकर आओगे. इट्स नॉट लाइक योर गैट गाइस कि आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं और उस फॉर्मूला के बेसिस पर एमसीक्यू मार्क करके आ जाओ और आपके मार्क्स मिल जाएंगे. नो, सिचुएशन टेस्ट में सबके मॉडल्स एट द सेम टाइम एग्जाम में डिफरेंट होंगे, बट एट द सेम टाइम सबके मॉडल्स को मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से विद इन टाइम उस मॉडल को बना लेते हो. और मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि आपको अपनी प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 10 डेज का टाइम मिला था. मतलब रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद स्टूडेंट्स को टाइम ही नहीं मिला था ताकि वो अलग अलग मटीरियल्स एक्सप्लोर कर सके और अलग अलग टाइप के टेक्निक्स एक्सप्लोर कर सके. तो बहुत ज्यादा पैनिकी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. अगर आप रिजल्ट तक का वेट करोगे तो आप बहुत सारी चीजों को मिस आउट कर दोगे और उसके बाद आपके पास टाइम भी बहुत कम होगा. जिस एग्जामिनेशन के लिए आपने पूरे साल प्रिपरेशन किए, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आपने अपने प्रिपरेशन में इन्वेस्ट किया है सीखने के लिए चीजों को, तो मैं बिल्कुल ये चाहूंगी कि आपका सिचुएशन टेस्ट भी अच्छा जाए. एंड सिचुएशन टेस्ट इज द डिसाइडिंग फैक्टर गाइज. आपकी रैंक को कैट एंड गैट तो डिसाइड नहीं करती, क्योंकि आपको मार्क्स देखने को मिलेगा भी नहीं. यू विल जस्ट बी नोटिफाइड कि आपका ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया है फर्स्ट राउंड का. पर सिचुएशन टेस्ट इज अ रैंक बूस्टर गाइस. सिचुएशन टेस्ट 20 मार्क्स ऐड कर देता है आपके जितने भी मार्क्स होंगे. और ये है डिसाइडिंग फैक्टर. सिचुएशन टेस्ट इज अ गेम चेंजर गाइस. आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू डेडिकेट योर टाइम एंड एफर्ट, क्योंकि इस टेस्ट में आपको जज किया जाता है आपकी क्राफ्टिंग एबिलिटीज पर. आप कितनी अच्छी मॉडल बनाते हो विद इन टाइम, आपकी प्रोटोटाइपिंग स्किल्स पर. तो यहां पर आप स्किल सीखते हो. क्राफ्टिंग इज अ स्किल सेट गाइस. ये आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही हेल्प नहीं करती है, क्राफ्टिंग आपको निफ्ट में भी हेल्प करती है. राइट, आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ निफ्ट को क्रैक करना नहीं है, आपका अल्टीमेट गोल एक डिजाइनर बनना है. दैट्स व्हाई आपने निफ्ट को एज अ मीडियम चूज किया कि चलो अगर मैं निफ्ट चली जाऊंगी तो निफ्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिलेगी, तो मैं एक सक्सेसफुल डिजाइनर बन पाऊंगी. सो दैट्स व्हाई दिस स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द क्रिएटिव एस्पिरेंट्स. जितने भी क्रिएटिव एस्पिरेंट्स हैं जो डिजाइनर बनना चाहते हैं, दैट्स द ओनली रीजन निफ्ट ने सिचुएशन टेस्ट को आपके एंट्रेंस में ऐड किया. मतलब ये एक रिक्वायर्ड स्किल सेट है फॉर डिजाइन करियर. सो दैट इज वेरी एविडेंट कि ये एक रिक्वायर्ड स्किल सेट है, क्राफ्टिंग और प्रोटोटाइपिंग आपके डिजाइन करियर के लिए अल्टीमेटली. क्योंकि जब आप कॉलेज भी जाते हो तो वहां पर भी आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं कुछ इस तरीके के. लुक एट दिस, दिस इज डन बाय टॉपर स्टूडेंट आशु वर्मा. शी इज करेंटली स्टडिंग इन निफ्ट दिल्ली एंड लुक एट दिस क्रिएटिव बैग. सो ये जो टेक्निक्स आप देख रहे हो ये आशु ने आर्टिस्टिक जोन में ही सीखा था. तो ये जो स्किल सेट है जो अभी आप सीखते हो, क्राफ्टिंग टेक्निक्स जो आप सीखते हो, ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करता है. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी कर रहे हैं. मतलब वो अर्न भी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करके, क्योंकि उनको ये स्किल आती है. कॉलेज में भी आपकी परफॉर्मेंस काफी हद तक एनहांस हो जाती है. लुक एट दिस बैग जो आशु ने स्पेक्ट्रम की वक्त एक संडे बाजार होता है निफ्ट दिल्ली में, तो उसमें ये आशु ने क्रिएट किया था. हैव अ लुक हियर, लुक एट दिस बैग. ये जो कुछ टेक्निक्स हैं ये सब आप सिचुएशन टेस्ट में सीखते हो और ये आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स डेवलप करने में भी अल्टीमेटली आपको आपके फ्यूचर में हेल्प करते हैं. लुक एट दिस, दिस इज आवर स्टूडेंट प्रियांशी'स पेज इंस्टाग्राम. यहाँ पर इंस्टाग्राम का आईडी भी मैंने मेंशन कर दिया, आप चेक कर सकते हो. तो प्रियांशी ने अपनी स्मॉल बिजनेस राइट आफ्टर सिचुएशन टेस्ट ही स्टार्ट कर दी थी. प्रियांशी यूज्ड टू क्रिएट ब्यूटीफुल गिफ्ट हैम्पर्स, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड फ्रेम्स, एंड शी इज मेकिंग मनी एज वेल अलोंग विद हर लर्निंग एट निफ्ट. तो ये जो क्राफ्टिंग स्किल्स है, इट्स अ स्किल सेट गाइस जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है. यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज आवर टॉपर स्टूडेंट श्वेताज पे. ये सारे हमारे आर्टिस्टिक जोन के स्टूडेंट है जो अभी इतना अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने अपने सिचुएशन टेस्ट के स्किल्स जो उन्होंने आर्टिस्टिक जोन में सीखी उसको अब मोनेटाइज करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया. यू गाइस कैन सी श्वेता इज राइट नाउ सेलिंग हर ओन बैग्स एंड क्रोशेट की चेन्स. एंड ये ब्रीडिंग आप सिचुएशन टेस्ट की क्लासेस में भी सीखते हो. राइट, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. दिस इज आवर स्टूडेंट कल्पना स्पेस. शी इज करेंटली स्टडिंग इन निफ्ट मुंबई परसुइंग फैशन डिजाइनिंग. यहाँ पर यू गाइस कैन सी शी इज सेलिंग ब्यूटीफुल क्राफ्ट ऑन हर इंस्टाग्राम. यू गाइस कैन सी ब्यूटीफुल की चेन्स एंड इयर रिंग्स. तो हमारी स्टूडेंट, हर नेम इज मिली, शी हैज स्टार्टेड हर न्यू वेंचर. फर्स्ट स्टूडेंट, हर नेम इज आशिका. हर रैंक वॉज 88 एंड शी इज करेंटली स्टडिंग इन निफ्ट बैंगलोर. दिस इज आशिका'स पेज एंड शी इज करेंटली सेलिंग ब्यूटीफुल ड्रीम कैचर्स. प्रिया कसेरा भी हमारी लास्ट ईयर टॉपर स्टूडेंट है. शी इज ऑल्सो करेंटली स्टडिंग इन निफ्ट और यू गाइस कैन सी शी इज सेलिंग ब्यूटीफुल चार्म्स, ब्यूटीफुल की चेन्स एंड ब्यूटीफुल नेक पीसेस.
on her Instagram and making money. So ये जो skill set है, ये जो crafting skill है, आप सिर्फ situation test के लिए ही नहीं सीखते हो, ये आपको life long help करती है. अगर आपको कुछ create करना है तो आपको वो create करने में भी काफी ज्यादा help करती है, और NIFT में भी आपको बहुत ज्यादा help करती है. That's the only reason guys, every single year we start two batches in Artistic Zone. एक batch हम आपके result से पहले start करते हैं, you guys can see, और एक दूसरी जो batch है वो हम result के just बाद start करते हैं. सो बैच वन आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, अगर आपको प्रिपरेशन गेम में सबसे आगे रहना है एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो रिजल्ट के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. और आप ही ये इमेजिन करो जिसने रिजल्ट से पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है. सो एज आई सेड कि लास्ट ईयर रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स को सिर्फ 10 days मिले थे, और एग्जाम होती है आपकी मार्च के लास्ट वीक में. तो अगर अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ स्किल सेट. अगर आपने निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो योर अल्टीमेट गोल इज टू बिकम अ डिजाइनर, राइट? आप अपने डिजाइन जर्नी के लिए ही आपने निफ्ट किया, आप अपने डिजाइन जर्नी के लिए आपने प्रिपरेशन किया ताकि आपका निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम निकले. तो ये जो स्किल है, इट इज अ रिक्वायर्ड स्किल फॉर योर कॉलेज, तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगी तो आपके पास ये प्लस पॉइंट होगा कि अगर आपके पास कम भी टाइम होगा तो भी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि चलो फाइनली मैंने इतने मटीरियल्स को एक्सप्लोर कर लिए इतने दिनों में. सो बैच वन हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 February से गाइज, और बैच टू हमारी स्टार्ट हो रही है द डे आफ्टर रिजल्ट अनाउंसमेंट. जिस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस होता है उसके जस्ट एक दिन के बाद से ही हम अपनी बैच टू स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आप अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो. यू ऑल नो द काइंड ऑफ क्वालिटी वी प्रोवाइडेड आर्टिस्टिक जोन. आप हमारे यूट्यूब चैनल पर 40+ सिचुएशन टेस्ट के मॉडल्स एज अ डेमो देख सकते हो, द काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर एमिंग टू प्रोवाइड यू गाइज. सो गाइज अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड किट्स. सिचुएशन टेस्ट किट हम प्रोवाइड करते हैं विच इज वर्थ 7,000 to 8,000 रुपीज, एंड इन आर्टिस्टिक जोन वी प्रोवाइड सिचुएशन टेस्ट कोर्स एंड सिचुएशन टेस्ट किट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस टू हेल्प ऑल ऑफ यू. अगर आप इसको मैनुअली लेते हो इट विल कॉस्ट यू लाइक 7,000 to 8,000 रुपीज गाइज, एंड ये आपको किट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आर्टिस्टिक जोन में मिल जाती है. You guys can see there are a lot of materials. मतलब इस किट से आप 70 to 75 models बना लोगे. इसमें इतने ज्यादा मटेरियल्स हैं, और मटेरियल्स हम आपको इनफ प्रोवाइड करते हैं. डेफिनेटली आपको निफ्ट के उस छोटे से पैकेट में इतने सारे मटेरियल्स नहीं मिलने वाले हैं, पर हमने निफ्ट सिचुएशन टेस्ट और स्टूडियो टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे थे और उसको ऑब्जर्व करके हमने इस किट को प्रिपेयर किया है. यू गाइस कैन सी दीज आर द मटेरियल्स यू आर गोना गेट इन दिस किट, और इन्हीं में से कुछ 5 या 10 मटेरियल आपको निफ्ट में प्रोवाइड करते हैं उस पैकेट में, जिसको यूज करके आपको मॉडल बनाना होता है. सो एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ. कॉटन फैब्रिक विल बी देयर, कटिंग मैट A3 साइज विल बी गेटिंग इन दिस किट, कलरफुल थर्मोकोल बॉल्स, फैंसी जूट यार्न्स, सिल्वर एंड गोल्डन, एल्युमिनियम वायर, स्टॉकिंग फैब्रिक्स, डबल साइडेड टेप, प्रिंटेड रिबन, प्लेन रिबन, पेन, नोटबुक, बैम्बू स्टिक्स, क्विलिंग स्ट्राइप्स, पेपर, प्लास्टिक बॉल्स, फेविकॉल, ट्रांसपेरेंट पाउच एंड व्हाट नॉट, आइसक्रीम स्टिक्स, सेलो टेप, सुपर क्ले, पेपर सीजर्स, कलरफुल बीड्स, क्विलिंग निडल, हैंकी, पेपर कटर, स्क्रैपर, ब्लेड्स ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग, की अगर आपकी ब्लेड टूट जाती है तो यू गाइस कैन यूज इट. आपको बार बार पेपर कटर खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. कंपस, टूथपिक, स्टेंसिल स्केल, पेस्टल शीट, ऑरिगामी शीट, क्विलिंग क्रिम्पर, एवरीथिंग. इसमें हम आपको कुछ टूल्स भी प्रोवाइड करें जो आप सिचुएशन टेस्ट में कैरी कर सकते हो, क्योंकि मटेरियल्स आपको खुद के तरफ से नहीं कैरी करना होता है, आप टूल्स ही कैरी कर सकते हो. ओके, सो टूल्स भी हम आपको सारे के सारे टूल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको सोर्सिंग में अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट ना करना पड़े. दिस इज योर वन स्टॉप किट गाइज जो आपको चाहिए टू प्रिपेयर फॉर सिचुएशन टेस्ट. और ये हम इसीलिए एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इन आर्टिस्टिक जोन क्लासेस हम आपकी विद इन वन मंथ 60 to 70 मॉडल्स बनवाते हैं. दैट्स द ओनली रीजन why you are getting a lot of materials in this kit guys. ये वैसे किट्स जैसी नहीं है जो Amazon और Flipkart पर मिलते हैं, इससे आप barely like 3 to 4 models भी नहीं बना सकते. इसमें आपको colorful sheet भी काफी सारी मिलेगी, quilling paper मिलेगी, because last में हम अलग अलग techniques, as I said, की अलग अलग techniques के basis पर आपको examination में marks मिलते हैं. सो हम क्लास में अलग अलग टेक्निक्स भी एक्सप्लोर करेंगे, ओरिगामी, किरीगामी, एवरीथिंग. दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीट्स यू माइट गेट इन योर सिचुएशन टेस्ट. सो अगर आप इतने सारे मटेरियल्स को एक्सप्लोर कर लेते हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम, तो आपकी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करोगे. एंड ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस इज द की गाइस. जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतनी ही कम टाइम में सिचुएशन टेस्ट में मॉडल बना पाएगा अंडर प्रेशर. एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, एक तो सिर्फ 2 ही घंटे होते हैं, उसमें भी आपको राइटअप भी लिखनी होती है. सो अंडर प्रेशर वी विल ट्रेन यू टू परफॉर्म योर बेस्ट. एंड ऑल्सो वन थिंग विच आई फॉरगेट टू मेंशन हियर गाइस, सिचुएशन टेस्ट की क्लासेस हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हैं इन दिल्ली. सो अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल कर सकते हो.
और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी एनरोल कर सकते हो. यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट अस हियर टू गेट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग आवर क्लासेस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, 13 फेब को हम एक मास्टर क्लास कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें आई विल बी शोइंग यू लाइव मॉडल मेकिंग और काफी सारे हम आपके साथ टिप्स एंड टेक्निक्स भी शेयर करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इन योर सिचुएशन टिप. दैट इज गोना बी एब्सोल्युटली फ्री गाइस. उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे. मेक श्योर यू फिल दैट फॉर्म टू गेट द क्लास लिंक. सो गाइस यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल. हमारी फ्री गाइडेंस की एक चैनल भी है टेलीग्राम पर. आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टू सेंड योर मॉडल पिक्चर फॉर फीडबैक्स एंड इंस्पिरेशन. Second, you can subscribe to our YouTube channel if you don't want to miss out any important update or any important and precious video which I used to make exclusively for you guys. We are also on Instagram guys. आप हमें Instagram पर follow कर सकते हो, आप हमें tag कर सकते हो. अगर आप models वगैरह बना रहे हो हमारे YouTube channel से देख करके तो आप हमें tag भी कर सकते हो to get feedbacks and suggestions from our side. थर्ड, अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपको गाइड करूं, अगर आपको कुछ पर्सनली मुझसे पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो. दिस इज माय आईडी गाइस एंड हियर इज आवर फोन नंबर. यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो टू गेट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग आवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस. इफ यू आर समवन हु इज प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वी ऑल्सो हैव अ कोर्स फॉर यू गाइस. दैट इज निफ्ट लाइव इंटरक्टिव फाउंडेशन कोर्स जो 1 मार्च से स्टार्ट होने वाली है. आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो. हियर इज द नंबर गाइस. इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके कोर्स को एनरोल कर सकते हो. इसमें हम आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं अंटिल योर एग्जामिनेशन विद रिकॉर्डेड लेक्चर. अगेन सिचुएशन टेस्ट की क्लासेस भी जो होगी उसकी भी आपको फुल क्लास रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम क्लास में सॉल्व करके आपको बताएंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप आप सिचुएशन टेस्ट में भी अपना बेस्ट दो क्योंकि ये सिचुएशन टेस्ट जो 20% होल्ड करती है दैट इज गोना डिसाइड वेदर यू आर गेटिंग योर ड्रीम डिपार्टमेंट और नॉट. सो चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द डिटेल्स गाइज. बाय, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिचुएशन टेस्ट.